आज की हमारी रेसिपी है वेजिटेबल सूप, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और साथ साथ सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हमने इसमें बहुत से ऐसे वेजिटेबल्स मिलाए हैं जो कि हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे, फिर कद्दूकस किया हुआ अदरक लहसुन, कुछ सेकेंड के बाद हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। कटी हुई हरी मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड करें, जितना तीखा आपको पसंद हो। फिर प्याज ऐड करेंगे। हमने स्प्रिंग अनियन के ऊपर वाले पार्ट को भी लिया है कट करके। लगभग 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे कटे हुए मशरूम्स। छोटे टुकड़ों में कट किया हमने मशरूम्स को। लगभग 1 मिनट तक हम फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करेंगे और भी वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च चाहे तो एक कलर के भी ले सकते हैं, 3 कलर का ना हो तब भी चलेगा। कॉलीफ्लावर या ब्रोकली भी ले सकते हैं। ग्रीन बीन्स, कैरेट, पीस ऑप्शनल है। बेबी कॉर्न को कट कर लिया हमने छोटे टुकड़ों में, आप यहाँ कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं। इसमें से एक या दो वेजिटेबल ना भी रहे, इसके बावजूद भी इस सूप का टेस्ट बहुत बेटर आता है। लगभग 1 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सेलरी, स्प्रिंग अनियन के आगे वाले पार्ट को जो ग्रीन होते हैं, लीफी, और लेट्यूस के जगह पे आप कैबेज इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कॉर्न में पानी में ऐड करके इसे मिक्स करके रख दिया है साइड में। तब तक हमारा वेजेस फ्राई हो चुका है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। इसमें हम ऐड करेंगे पेपर कॉर्न, क्रश करके फ्रेशली ऐड करें, ज़्यादा बेटर टेस्ट आएगा। और फिर वेजिटेबल स्टॉक के जगह पे आप चाहें तो पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगर वेजिटेबल स्टॉक अवेलेबल हो तो इसे ज़रूर डालें, टेस्ट इन्हांस होता है। और अब हम कॉर्न वाटर ऐड करेंगे और नमक स्वाद अनुसार। इसे लगभग 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। सूप का कलर क्लाउडी ना हो जाए इसके लिए हम इस तरीके से ऊपर से हटा लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे पनीर छोटे कटे हुए क्यूब्स में। पनीर को फ्राई करके सब्जी बनाने से सब्जी का टेस्ट बढ़िया आता है, बट सूप में बिना फ्राई किए हुए अच्छा लगता है। अब कटे हुए धनिया पत्ता और नींबू ऐड करेंगे, लेमन जूस स्क्विज करेंगे हम इसमें, और ये बनकर तैयार है। अब गर्मा गर्म इसे परोसे, आपको खाने में बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से बनाएंगे तो और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है।